सुल्तानपुर के लंबुआ में लंबित जन समस्याओं के निस्तारण में हिलाहवाली करने का आरोप लगाते हुए किसान संगठन के पदाधिकारियों ने एक पदयात्रा निकाली। मुख्यमंत्री दरबार में जा रही इस यात्रा को आनन फानन में प्रशासन ने रोक लिया और कुछ समस्याओं का निस्तारण कराया तथा कुछ समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया गया। भारतीय किसान यूनियन हिंद गुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार उर्फ सूरज सिंह ने कहा कि हम लोग लंबित जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आश्वासन के बावजूद प्रशासन हीला हवाली कर रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि अब हम लोग मुख्यमंत्री दरबार में जाकर हाजिरी लगाएंगे और वहां पर अपनी समस्याओं को रखेंगे। किसान पदयात्रा लगभग 1 किलोमीटर चली थी कि आनन फानन में SDM तहसीलदार कोतवाल फोर्स के साथ पहुँच गए और पदयात्रा को रोक लिया गया। बातचीत के बाद कुछ समस्याओं का निस्तारण किया गया और कुछ समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि अब अगर आगे भी प्रशासन समस्याओं के निस्तारण में हीलावाली करेगा तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, ये बताइए आज किस तरीके का आप लोगों का ये बैठक रही? देखिए, ये विभिन्न लंबित जन समस्याओं को लेके, ये करीब 2 साल से लंबित जन समस्याएं थी जिसको लेके संगठन द्वारा जो है निर्णय लिया गया था पूरे संगठन की सहमति से कि हम मुख्यमंत्री के यहाँ तक पदयात्रा निकालेंगे। हमारी यहाँ पदयात्रा प्रारंभ भी हो गई, उसके बाद प्रशासन आनन फानन में हरकत में आया। वैसे तो ये सुनने वाले नहीं हैं, तो जब पदयात्रा निकली यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पदयात्रा पहुँच गई तो SDM और सक्षम अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और कोतवाल महोदय सब जो है आके वहाँ पे पहुँच कर उसके बाद इन्होंने कुछ समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया। जैसे एक लेखपाल ओम प्रकाश कनौजिया था, उसका सस्पेंशन भी हुआ, कुछ लोगों से रिश्वत लिया था, कुछ महिलाओं से, और कुछ जो संबंधित समस्याएं जन समस्याएं थी उनके लिए इन्होंने 1 हफ्ते 3 दिन 4 दिन सभी अधिकारियों से लिखित में दिलवाया। अब देखते हैं ये कि ये अपने वादे पे कितना खरा उतरते हैं, और यदि लिखित तय दिनांक में ये नहीं देते हैं तो फिर हमारे पास रास्ता खुला हुआ, हम पुनः वही रास्ता अख्तियार करेंगे। कुछ ब्लॉक अफसरी भी आपके इसमें मतलब शिकायतें थी जी, और विकासखंड लंबुआ जी विकासखंड अधिकारी वहाँ पे पहुँचे और जैसे कि देखा जाए भदैया भी पहुँचे जी, जी। किस तरीके का मामला रहा इनका? जी, जैसे छोटे छोटे मामले थे, ग्राम सभा के मामले थे, पात्र जनों के जो आवास हैं उनके नाम कट जाना, ये ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की बदमाशी से होता है, और कुछ नाली सड़क जो प्रधान अपने मतलब अपने चहेतों को बनवाता है या जो नहीं उसके पक्ष में है उनको जो है शोषित करता है, तो उन्हीं के संबंध में थी। BDO भदैया लंबुआ शौचालय संबंधित जो है ये सब थे, तो इन्होंने भी लिखित में आश्वासन दिया है कि सप्ताह भर के अंदर हम मामलों का उचित निस्तारण का संपूर्ण निस्तारण करके देंगे। SDM द्वारा किस तरीके का आपको आश्वासन दिया गया? SDM द्वारा तो पहले कोरोना आश्वासन दिया जाता रहा, जब पदयात्रा निकली तब SDM और जिला प्रशासन हरकत में आया, तब ये आज ऑथेंटिक काम किए। आपका पदयात्रा कहाँ तक थी? मेरी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी तक पदयात्रा थी, और जो लिखित समय इन्होंने दिया है उसी तक ये पदयात्रा रुकी है, नहीं तो जिस दिन इनका समय पूरा हुआ उस दिन पुनः निकलेगी। सुल्तानपुर से Now44 के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now44 न्यूज चैनल।